किया है, जो प्रदेश में नौजवानों के भ्रम है नियोजन के सवाल पर, स्थानीय कौन उसके सवाल पर, डिस्ट्रिक्ट रोस्टर में पिछड़ी जाति के कई जिले हैं जिसका उपस्थिति शून्य दर्शाया गया है, तो ऐसे सारे विषयों को लेकर के जब जो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने सदन के अंदर कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर जवाब देंगे, और सदन के बाहर और अंदर भारतीय जनता पार्टी जो प्रतिकार कर रही थी, मुख्यमंत्री जी से सवाल उत्तर जानना चाह रही थी, वह आज कल अब सत्र अवसान होने वाला है और अभी तक सवाल नहीं आया, इसलिए मैंने कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सदन के माध्यम से सरकार को ये पूछना चाहा कि सरकार चर्चा कराए और नौजवानों के जो रोजगार के सवाल है, नौजवानों के नियोजन के सवाल है, स्थानीय कौन है और जिलों में जो पिछड़ी जाति की उपस्थिति का प्रतिशत दर्शाया गया है उस पर सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दें। इसीलिए मैंने आज विधानसभा के में कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से, सरकार ने जो नियोजन नीति लाने का काम किया है, जो प्रदेश में नौजवानों के भ्रम है नियोजन के सवाल पर, स्थानीय कौन उसके सवाल पर, डिस्ट्रिक्ट रोस्टर में पिछड़ी जाति के कई जिले हैं जिसका उपस्थिति शून्य दर्शाया गया है, तो ऐसे सारे विषयों को लेकर के जब जो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने सदन के अंदर कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर जवाब देंगे और सदन के बाहर और अंदर भारतीय जनता पार्टी जो प्रतिकार कर रही थी, मुख्यमंत्री जी से सवाल उत्तर जानना चाह रही थी, वह आज कल अब सत्र अवसान होने वाला है और अभी तक सवाल नहीं आया, इसलिए मैंने कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सदन के माध्यम से सरकार को ये पूछना चाहा कि सरकार चर्चा कराए और नौजवानों के जो रोजगार के सवाल है, नौजवानों के नियोजन के सवाल है, स्थानीय कौन है और जिलों में जो पिछड़ी जाति की उपस्थिति का प्रतिशत दर्शाया गया है उस पर सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दें। ओके, सम्मत नियोजन नीति उत्तर जानना चाह रही थी, वह आज कल अब सत्र अवसान होने वाला है और अभी तक सवाल नहीं आया, इसलिए मैंने कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सदन के माध्यम से सरकार को ये पूछना चाहा कि सरकार चर्चा कराए और नौजवानों के जो रोजगार के सवाल है, नौजवानों के नियोजन के सवाल है, स्थानीय कौन है और जिलों में जो पिछड़ी जाति की उपस्थिति का प्रतिशत दर्शाया गया है उस पर सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दें।